हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ भी हैं, मस्त भी हैं। गाइस, टाइम है सुबह का और आज सब लोग गए हुए हैं गांव। तो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया आप लोगों को, तो अभी मैं और लड्डू हैं सिर्फ यहाँ पे, और लड्डू को जाना है स्कूल। लड्डू का ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है, उसके लिए बनाए मैंने चावल और कढ़ी जो कि उसके फेवरेट हैं। और साथ में आज है उसका स्कूल में प्रोग्राम है फायरलेस कुकिंग का, तो मैंने सैंडविचेस के लिए उसको अलग अलग शेप में ब्रेड काट कर दिए हैं, तो उसी उस सारा सामान पैक कर दिया है, तो वहीं पे बनाने हैं इसको। तो अभी टाइम हो गया है इसका और मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ। हम पहुँच गए बस स्टॉप पे। यहाँ पे लड्डू ने काफ़ी सारी मस्ती की आज मेरे साथ। वो छाता लेके गई थी क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था एकदम से, तो हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी। तो लड्डू का कहना था, मम्मा मेरी वीडियो बना दो ना, वो देखती रहती है यूट्यूब वगैरह पे। तो उसने काफ़ी सारे फ्लावर्स कलेक्ट किए और यहाँ पे वीडियो भी बनाई। तो गाइस, लड्डू को छोड़ के मैं घर पे आ गई और अब मैं लड्डू गोपाल को नहला देती हूँ। नहला के मैंने इसको कपड़े पहनाए सुंदर सुंदर से, और ये मेरा लड्डू गोपाल सज धज के तैयार हो गया है एकदम। तो अभी टाइम है इसको खाना खिलाने का, तो पहले मैं इसको खाना खिला देती हूँ चावल और मीठे के साथ। तो अब मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ अपना काम। तो सबसे पहले लगाया मैंने पोछा और फिर काफी सारे कपड़े वो रखे थे प्रेस के, तो वो सारे सूट मेरे ही थे, 15-16 के आसपास मेरे सूट थे। अभी तो अभी गांव से सब लोग आ चुके हैं, तियांश आ गया है। तो लड्डू का भी मन नहीं लग रहा था तियांश के बिना, तो अभी वो बहुत खुश है, और तियांश का भी मन नहीं था लड्डू के बिना। तो अभी दोनों मस्ती करने गद्दा लेके आए थे, तो इसको ही खेल बना रखा है दोनों। गांव गए हुए थे तो रास्ते में गुहाने का घेवर, सवालके का घेवर, सारी वैरायटी लेके आए, और सफेदों की बर्फियाँ। तो फिर मीठा काफी ज्यादा हो रखा है, तो इसमें डब्बे में बचा हुआ था थोड़ा सा घेवर, तो लड्डू त्यांश इसमें ही लगा पड़ा है खाने। कल रात को काफी ज्यादा खराब लाइट आई, तो कई चीजें जल गई, तो अनुप ने आते ठीक किया सब कुछ। फ्रिज में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई, सारे स्विचेस वगैरह भी जल गए थे, अनुप ने ठीक कर दिए। तो त्यांश कर रहा है माँ जी की मसाज, मसाजर के साथ। त्यांश आप क्या कर रहे हो? तो जिस चलाने में बड़ा मजा आता है इसको। रात को 12 बजे आया कुरियर। कोई वैसे भी फोन ना उठाए, 12 बजे फोन किया है, भैया आपका कुरियर है। अभी कुरियर ले लिया है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाना।